रेडी पंजाब कदी हरा इनकलाब लियाउण विच मोहरी रहा सी डंडी। किसे समय इसने देश दे अन्न भंडार नू भरिया सी डंडी। इसलई अज तक भी इस दी प्रशंसा कीती जांदी है। पर अज पंजाब नशियां दे रुझान गैंगस्टरां दियां कारवाइयां अते धरनियां मुजहारियां विच नंबर एक उत्ते है डंडी। हर दूजे तीजे दिन इत्थे किसे ना किसे जथेबंदी वल्लों मुख सड़कां नूं रोकण करके मीला वधी वाहन खड़े रहिंदे हन अते हजारां लखां लोक परेशानी विच्ची गुजरदे हन डंडी। इस बार टैक्स इकट्ठा करन विच ए सूबा फाड़ी आया है डंडी। ए हरियाणे तों किते पिछे खड़ा नजर भी नहीं आउंदा डंडी। पर हुण नवी सरकार दियां बयानबाजियां विच ए सब तों अगे खड़ा नजर आउंदा है डंडी। स्टेजी ड्रामे करन अते गंभीर सियासी कदम उठाउण विच बड़ा फर्क हुंदा है डंडी। शायद इस गल दी समझ नवी सरकार नू हाले तक नहीं आई डंडी। इसे लई उस दियां नित दिन दियां बयानबाजियां जारी हन डंडी। दिल्ली विच पिछले लंबे समय तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दी अगवाई वाली आम आदमी पार्टी प्रशासन चला रही है डंडी। हर साल कणक अते झोने दी कटाई तो बाद किसानां वल्लों खेतां दी रहिंद खूंद नूं सुआह करन लई वड्डी पद्धर उत्ते अग लगाई जांदी है, जिस कारण पहलां ही बेहद प्रदूषित हुई। रेडी हवा होर जहरीली हो जांदी है डंडी। इस नाल समुच्चे उत्तरी भारत विच खास करके देश दी राजधानी दिल्ली विच बेहद माड़ा असर पैंदा है, जिस विच सां लैणा भी औखा हो जांदा है डंडी। पिछले कई सालां तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन्हां दिनां विच इस गंदलेपण दा इल्जाम पंजाब अते हरियाणा उत्ते लगाउंदे रहे हन अते पूरी उच्ची आवाज विच इन्हां सरकारां नूं पुणदे रहे हन डंडी। पिछले 7 महीने तों पंजाब विच आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल दी अगवाई हेठ मुख्यमंत्री भगवंत मान दी सरकार कायम है डंडी। इस बार इस नूं झोने दी पराली दे इल्जाम करन विच्ची गुजरना पिया डंडी। इस लई बड़ियां लम्मियां चौड़ियां योजनावां बनाईयां गईयां डंडी। किसानां नूं जागरूक करन लई वड्डी पद्धर उत्ते इश्तहारबाजी कीती गई डंडी। अफसरशाही उत्ते प्रशासन नूं पूरी तरह सचेत कीता गया अते हर तरह दियां बनदियां प्रशासनिक कारवाइयां करन दियां धमकियां भी दित्तियां गईयां डंडी। झोने दी फसल बीजन समें सरकार दे सिद्धी बजाई करन अते पानी दी हेठां डिगदी तैह नूं बचाउण लई कीते गए सारे जतन फलाप साबित होए हन डंडी। फसल कट्टण समें सरकार ने होर मद्दां उत्ते विचार करन
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡੰਡੀ ਲਾਲ ਐਂਟਾਰੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ